यहाँ का लोक का लोकार्पण थोड़ी देर में मोदी को प्रणाम कर गर्भगृह पहुँचे पीएम मोदी। महाकाल के सामने किया जब नमस्कार। मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नए दर्शन परिसर में महाकाल लोक उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुँचे हैं। अहमदाबाद से विशेष विमान के जरिए वे पहले इंदौर और वहां से एयरफोर्स के चॉपर से उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड से प्रधानमंत्री सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में मंदिर को प्रणाम कर महाकाल के किए दर्शन। मोदी करीब 3 घंटे तक उज्जैन में रुकेंगे। उज्जैन में शाम 6:30 बजे 200 संतों की मौजूदगी में वे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है जहां 60,000 लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान छिप्रा के तट पर इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहां करीब 1,00,000 लोगों के जुटने की संभावना है। ये प्रोग्राम 40 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके जरिए 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर का लंबा कॉरिडोर है जहां श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। पीएम मोदी के प्रोग्राम के अपडेट्स। प्रधानमंत्री ने महाकाल को माला अर्पित की, नए वस्त्र चढ़ाए। इसके बाद दक्षिणी दिशा में मुख कर ध्यान लगाया, फिर रुद्राक्ष की माला जपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में हेलीपैड से सीधा महाकाल मंदिर पहुंचे। वे इंदौर से एयरफोर्स के चापर से उज्जैन आए। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजय वर्गीय ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में महीने में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 17 सितंबर को कुनू नेशनल पार्क आए हुए। महाकाल लोक प्रोग्राम की मेगा तैयारियां। कलावे से बनाया 15 फीट ऊंचा शिवलिंग। महाकाल लोक के मुख्य नंदी द्वार पर करीब 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। इसे रक्षा सूत्र से तैयार किया गया है। इसे कपड़े से ढका जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाएंगे और कपड़ा हट जाएगा। इसी के साथ महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। 60 किलोमीटर लंबे उज्जैन हाईवे को स्पेशल लाइटिंग से सजाया गया है। उज्जैन में रात को हेलीकॉप्टर से उड़ने और उतरने की सुविधा नहीं है। वापसी में प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से इंदौर जा सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए उज्जैन के बीच 60 किलोमीटर लंबा हाईवे को स्पेशल लाइटिंग के जरिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। सजावट के लिए बेंगलुरु पुणे से मंगाए गए हैं फूल। महाकाल का गर्भगृह नंदी हाल के साथ ही परिसर के सभी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए हैं। यहाँ 40 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों और कोठी तीर्थ कुंड के आसपास पुष्प सज्जा भी की गई है। मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि सजावट के लिए 7 शहरों से फूल मंगाए गए हैं। इनमें देसी गुलाब, गेंदा, सुगंधित पुष्प के अलावा विशेष किस्म के डच गुलाब, जरबेरा, लिली, रजनीगंधा, एथोरियम शामिल हैं। विशेष किस्म के फूल पुणे और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। कार्यक्रम 40 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल समेत 6 राज्यों के कलाकार इस दौरान प्रस्तुति देंगे।